जिले में मेहनत और लगन के बूते महिलाएं अपनी तकदीर खुद गढ़ रही हैं। कभी चंद पैसों के लिए मोहताज महिलाएं अब आर्थिक रूप से संपन्न हो रही हैं, आत्मनिर्भर होकर वह घर चला रही हैं। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के खांझापुर पंचायत वार्ड एक की रहने वाली निर्मला देवी ऐसी ही एक महिला हैं। इन्होंने खाद निर्माण शुरू की। शुरुआत इसको हम जीविका के माध्यम से किए, और उसमें ट्रेनिंग मिला और बताया गया था कि खाद क्या कहता है डालने से, मतलब रासायनिक खाद से हम लोग को छुटकारा मिलेगा। यहाँ तो हम सब जीविका के दीदी तखन हम मान नहीं रहे थे कि जैविक खाद हमको सूट करेगा खेत में कि नहीं करेगा, लेकिन अभी हम फिलहाल में हम तैयार किए हैं तो हम जानते हैं कि जैविक खाद बहुत हम लोगों को। महिलाएं मिलकर तैयार करें, 10 से 15 दीदी मिलकर एक समूह की, कदम जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदी सभी मिलकर। पहली बार कितना केजी का उत्पादन? 2000 केजी किए थे हम। कहाँ कहाँ आपने बेचा? हम लोगों ने दीदी के समूह के दीदियों को दिए, जीविका दीदियों के, हाँ गांव के आसपास के दीदियों को दिए थे। और दीदी कमाई कितनी हो जाती है? कमाई 25 से 30 हज़ार रुपया इस खाद बनाने से हम लोगों को हुआ। और एक बार के उत्पादन में? हाँ भैया, और खेतों में दिए वो अलग फायदा हम लोग को हुआ और पैसा का भी बचत हुआ। कितनी कमाई हो जाती है इस खाद के लिए? इस खाद बनाने से 10-12 को निमिट से हो जाता है। हरित खाद के लिए जीविका दीदी को जीविका के माध्यम से जो ग्रीन फर्टिलाइज़र फ्लैश की उपलब्धता होती है तो उसकी उपलब्धता जीविका दीदी लोगों को मुहैया करवाती है। उसके साथ इन्हें जो टेक्निकल नॉलेज हो, इसमें जो जानकारी हो कि कैसे किस समय पे क्या करना है, किस मात्रा में क्या डालना है, कैसे इसका उपयोग करना है, इन सभी बातों की जानकारी जीविका के माध्यम से दीदियों को दी जाती है। अपने साथी 3 महिलाओं को 10-10 हज़ार राशि पर की कमाई भी करवा रही है। इनके इस मेहनत से गांव के साथ साथ जिले भी प्रेरणा ले रही हैं। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए नीरज कुमार।